एक जंगल में कालू नाम का कौआ रहता था, जो बिल्कुल अकेला था। एक दिन कालू कौआ जंगल के रास्ते से अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में उसको एक चिड़िया दिखाई देती है जिसके चोट लगी हुई थी। कालू उस चिड़िया के पास आता है और उस चिड़िया से कहता है, अरे बहन, आपको क्या हुआ है? तभी वह चिड़िया कहती है, मेरा नाम टूनी है और मैं रास्ते से जा रही थी, तभी एक चील ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे घायल कर दिया। अरे बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा पूरा ध्यान रखूँगा। तुम आज रात मेरे यहाँ पर रुक सकती हो। तभी टूनी रात को कालू के घर रुक जाती है। अब कालू रात भर टूनी की निस्वार्थ सेवा करता है। तभी कालू जब सुबह जागता है तो उसको कहीं भी टूनी चिड़िया दिखाई नहीं देती। अब वह इधर उधर चिड़िया को ढूंढता है, पर चिड़िया उसे कहीं भी नहीं मिलती। तभी कालू अपने घर पर आराम करने लगता है। अब टूनी चिड़िया कालू के सपने में आती है और कालू से कहती है, कालू, मैं तुम्हारी गरीबी बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। मैं कोई मामूली चिड़िया नहीं थी, मैं एक परी थी और एक शराब के कारण इधर उधर घूम रही थी। वह शराब मेरा तुमने पूरा कर दिया है, अब मैं आज़ाद हो चुकी हूँ। कालू, मैं तुमसे एक बात कहने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। तुम्हारे कुछ दिनों बाद एक अंडा होगा, उस अंडे का तुम बहुत अच्छे से ख्याल रखना। उस अंडे से तुम मनचाही चीज मांग सकते हो, पर हाँ कालू, कभी भी उस अंडे का गलत प्रयोग ना करना। अब कुछ दिनों के बाद कालू एक अंडा देता है, तभी वह अंडा सोने में बदल जाता है। अब कालू उस अंडे को बड़े ध्यान से देखता है और उससे अपनी कुछ खाने की वस्तुएं मांगता है, तभी वह अंडा खाने की वस्तुएं दे देता है। अब कालू के अंडा होने की बात पूरे जंगल में फैल जाती है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं, पर कालू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कालू उस अंडे की सहायता से सभी गरीब लोगों की मदद करता और सब लोगों का सम्मान करता। इससे कालू के बहुत उन्नति और उसको हर जगह सम्मान मिलने लगा। वहीं पर कालू के पड़ोस में रहने वाला एक तोता, जो उससे काफी जलता था, एक दिन कालू के घर आता है और कालू से कहता है, अरे भाई, तुमने ये सब कैसे किया? भला कौए भी कभी अंडे देते हैं क्या? और ऐसा कह के उसका मजाक उड़ाने लगा, पर कालू कौए को इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अब तोता कालू के घर से चला जाता है, तभी टूनी चिड़िया से वह बात करने लगता है और कहता है, अरे, इसके यहाँ कोई ना कोई तो बात है, ये हम सबको बता नहीं रहा है, क्यों ना हम इसका पता लगाएं? अब एक दिन जब कालू उस अंडे से कुछ मांग रहा होता है, तभी तोता सब कुछ देख लेता है। अब वह कालू के जाने का इंतजार करने लगता है और मन ही मन सोचता है, मैं इस अंडे को जरूर चुरा लूंगा, उसके बाद मैं बहुत ही धनवान हो जाऊंगा और इस अंडे से अपनी सभी मांगे पूरी करूंगा। अब रात होने पर तोता कालू के घर आता है और उस अंडे को चुरा के ले जाता है। अब तोता जैसे ही उस अंडे से कुछ मांगता है तो वह कालू आ जाता है और कालू तोते से कहता है, अरे तोते भाई, ऐसा ना करना, तुम इस अंडे से कुछ नहीं मांग सकते, ये अंडा पत्थर का बना देता है। अरे कालू भाई, आप मुझे क्यों डरा रहे हो? मुझे सब पता है, क्योंकि मैंने इस अंडे से वरदान मांगते हुए तुम्हें देख लिया था। अब इस अंडे से वरदान मांगकर मैं भी बहुत धनवान बनूंगा। तभी वह जैसे ही अंडे से वरदान मांगता है, वही पत्थर का बन जाता है। अब कालू कहने लगता है, मैंने तो तोते भाई पहले ही आपसे मना किया था, क्योंकि इस अंडे ने मुझे गलत प्रयोग करने से मना किया था और आपके मन में लालच भरा था, आप इस अंडे का गलत प्रयोग करना चाहते थे। आप
कालू उस अंडे को लेकर खुशी खुशी अपने घर पर रहने लगता है। चुनमुन नाम का चिड़ा अपनी पत्नी टूनी के साथ रहा करता था। चुनमुन चिड़ा एक गरीब किसान था और वह अपनी गरीबी में खेती करके खुश रहता था। चुनमुन और टूनी के दो बच्चे थे जो बहुत ही प्यारे थे, पर चुनमुन और टूनी उनके बारे में सोचकर बहुत ही दुखी होते थे। एक दिन टूनी चुनमुन से कहती है, अजी हमें अपने बच्चों का एक बहुत ही बड़े स्कूल में दाखिला करवाना है, क्योंकि आज तक मेरे बच्चे केवल सरकारी स्कूल में ही पढ़ते आए हैं और अपने साथ के सभी बच्चों को देखकर हमसे कहते हैं। हाँ टूनी, मैं भी यही सोचता हूँ, पर मैं अब क्या करूँ, हम बहुत ही गरीब हैं, हमारी किस्मत में तो गरीबी ही लिखी है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं किसी भी तरह अपने दोनों बच्चों का एक बड़े से स्कूल में दाखिला करवा ही दूंगा। और फिर सुबह ही चुनमुन शहर निकल जाता है काम की तलाश में। तभी वह एक दुकान पर पहुंचता है। अरे भाई, मुझे कुछ काम मिलेगा, मैं आपका काम बहुत ही ईमानदारी और मेहनत से करूँगा। ठीक है भाई, हमारी दुकान पर काम कर लो, तुमको दिन भर के 100 रुपए मिलेंगे। अरे ठीक है भाई, आप मुझे 100 रुपए दे देना। चुनमुन पूरे दिन काम करता है, उसके बाद पैसे लेके घर आ जाता है और टूनी को दे देता है। अरे टूनी, ये लो, ये कुछ पैसे हैं, इनको अपने बच्चों के लिए संभाल के रख लो। हाँ आप ठीक कह रहे हैं, मैं इनको अपने बच्चों के लिए संभाल के रख लेती हूँ। अब चुनमुन रोज शहर कुछ ना कुछ काम ढूंढने चला जाता और उसे रोज कुछ ना कुछ काम मिल जाता। तभी एक दिन चुनमुन रास्ते से जा रहा था, तभी चुनमुन को एक कौआ आवाज देता है और कहता है, अरे भाई सुनो जरा। चुनमुन उसके पास जाता है। अरे भाई, मेरी तबीयत अचानक से खराब हो रही है, तुम मेरा एक काम कर दोगे? हाँ हाँ भाई, मैं आपका काम जरूर कर दूंगा, आप मुझे बताइए। यह एक मुर्गी है और इसको इस पते पर ध्यान से पहुंचाना है। हाँ हाँ भाई, आप उसका नंबर दे दो और मैं उस पते पर पहुंचा के आ जाऊंगा। और फिर चुनमुन चिड़ा उस मुर्गी को लेके जैसे ही निकलने को होता है, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे चुनमुन, तुम कहाँ जा रहे हो? अब चुनमुन देखता है तो वह आवाज उस मुर्गी में से आ रही थी। तभी वह मुर्गी की ओर देखता है। अरे तुम तो बोल लेती हो। हाँ, मैं एक बोलने वाली मुर्गी हूँ, तुम मुझे इस पते पर नहीं पहुंचाओ, क्योंकि वो लोग मुझे मार के खा जाएंगे और मुझे मरना नहीं है, मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। पर मैं तो बहुत गरीब हूँ और अगर मैंने तुम्हें इस पते पर नहीं पहुंचाया, तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे। नहीं, तुम झूठ बना देना कि मैं तुम्हारे हाथों से छूट गई थी। अब चुनमुन उस मुर्गी को लेके अपने घर चला जाता है। तभी टूनी, अरे ये किसे साथ ले आए हो? तभी चुनमुन उसको पूरी बात बता देता है। अब टूनी कहती है, अरे आज घर में खाने का एक दाना भी नहीं है, तुम जल्दी से जाओ और कुछ खाने को ले आओ, क्योंकि हमारे घर पे एक मेहमान भी आ गया है, उसको भी हम भरपेट खाना खिलाएंगे। तभी वह मुर्गी कहती है, अरे तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और मैं खाना नहीं खाती, मैं एक जादुई मुर्गी हूँ। अब वह जादुई मुर्गी जल्दी से एक सोने का अंडा देती है और चुनमुन से कहती है, ये लो सोने का अंडा और इसको बेच के तुम अपने लिए बहुत कुछ ले सकते हो। अब चुनमुन बाजार जाता है और सोने का अंडा बेचकर ढेर सारा खाने का सामान लेके आ जाता है और अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी खाता। अब जादुई मुर्गी दूसरे दिन उनको कुछ बीज देती है और कहती है, इन बीजों को अपने आंगन में लगा दो और फिर देखो इसका कमाल। अब चुनमुन और टूनी ऐसा ही करते हैं, उस बीजों को अपने आंगन में लगा देते हैं। तभी वह 2 दिन बाद देखते हैं तो वहाँ बहुत सारे सोने के अंडे उग आते हैं। अब टूनी और चुनमुन उन अंडों को बेचकर अपने लिए
सारी जरूरतें पूरी करते हैं और अपनी बेटी का एक बहुत ही अच्छे स्कूल में दाखिला करवा देते हैं। अब मुर्गी चुनमुन और टूनी से कहती है, तुम लोग कभी भी लालच नहीं करना, क्योंकि लालच करने से ये सारा जादू मेरा खत्म हो जाएगा। तभी चुनमुन चिड़ा कहता है, अरे हम क्या लालच करेंगे, हमारे तो सारे सपने तुमने ही पूरे कर दिए। तभी वह उस मुर्गी का धन्यवाद करते हैं। अब टूनी और चुनमुन की गरीबी काफी हद तक कम हो गई थी और उस मुर्गी के साथ वह बहुत खुशी खुशी रहने लगे। टूनी चिड़िया अपनी तीन बेटियों के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया के पति की मौत कुछ दिन पहले ही हुई थी। अब वह बिल्कुल बेसहारा अपनी बेटियों के साथ रह गई। अपने पति की बीमारी के चलते उसने कई लोगों से कर्ज ले रखा था। टूनी के घर में खाने को एक दाना भी नहीं रह गया था। उसकी तीनों बेटियां भूख के मारे बिलख रही थीं। तभी छोटी बेटी भूख से तड़प के कारण रोने लगी। माँ मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दे दो माँ। तभी टूनी चिड़िया खाने की तलाश में तोते के घर जाती है और तोते से कहती है, अरे भैया हमें कुछ खाने को दे दो। तभी तोते कहती है, अरे हमारे घर पर वैसे भी खाना नहीं है, खत्म हो गया, जाओ यहाँ से। अब टूनी चिड़िया रोती हुई घर वापस आ जाती है। तभी उसकी बेटियाँ कहती हैं, अरे माँ आप चिंता मत करो, घर में कुछ दाना पड़ा था, हमने इस छोटी को खिला दिया। अब टूनी चिड़िया सोचने लगती है, अब मेरी बेटियों का क्या होगा, मुझे चल के कुछ काम करना होगा। अब सुबह ही टूनी चिड़िया का मकान मालिक कालू कौवा उसके घर आ जाता है और टूनी से कहता है, अरे टूनी अब तुमने मकान का किराया कई दिनों से नहीं दिया, अब तो मेरे मकान का किराया दे दो। अरे मालिक आप तो मेरी हालत जानते हैं, मेरे पति की अभी अभी मौत हुई है और मेरे घर में मेरे बच्चियों को खिलाने के लिए एक दाना भी नहीं है, मैं आपके मकान का किराया कहाँ से लाऊं? हाँ टूनी मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, मैं तुमको एक सलाह देना चाहता हूँ, तुम अपनी तीनों बेटियों को लेकर मेरे घर पर आ जाओ और मुझसे शादी कर लो। अरे नहीं नहीं मालिक आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं तीन बच्चियों की माँ हूँ, अपनी बच्चियों को मैं क्या जवाब दूंगी। अच्छा तो ठीक है तू कल मेरा मकान खाली कर देना। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अब टूनी चिड़िया अपनी तीनों बच्चियों को लेकर उसके मकान से चली जाती है। अब रास्ते में एक जगह वह अपनी तीनों बच्चियों को लेके रुक जाती है। तभी उनसे कहती है, अरे बेटियों तुमको भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए अभी इस जंगल में कुछ कोच खिलाती हूँ। और ऐसा कहकर टूनी चिड़िया चली जाती है। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर एक चील आ जाती है और उन बच्चियों पर हमला कर देती है। तभी चील उनमें से एक चिड़िया को अपने साथ ले जाती है। तभी टूनी चिड़िया दाना लेकर अपनी बेटियों के पास आती है और वह देखती है कि दोनों बेटियां रो रही हैं। तभी वह कहती है, अरे क्या बात है माँ, आपके जाने के बाद एक बहुत बड़ी चील आई थी और वह छोटी चिड़िया को अपने साथ ले गई। और टूनी और उसकी दो बेटियां रोने लगती हैं। तभी उनमें से बड़ी बेटी कहती है, माँ हमें सबसे पहले अपने लिए एक घर की तलाश करनी होगी। तभी टूनी चिड़िया को वही पास में एक मिट्टी का ढेर दिखाई देता है। अब वह उस मिट्टी के ढेर से अपने लिए एक घर बनाने लगती है। अब टूनी चिड़िया ने बहुत ही सुंदर एक मिट्टी का घर तैयार कर लिया। अब उस मिट्टी के घर में उसकी दोनों बेटियां और टूनी खुशी खुशी रह